गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या है, पहले तो चीज है कि लाइन क्या है। लाइन अगर दो पॉइंट को एक दूसरे से सटा कर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक लाइन फॉर्म करेगा। ऐसे तो स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन या कोई भी लाइन है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स का पॉइंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है एक लाइन पर। तो अगर दो पॉइंट को हम कंसिडर करें कि दो पॉइंट एक दूसरे से सटा हुआ है, तो पहले हम लोग आते हैं लाइन क्या है। अगर दो पॉइंट को हम जस्ट एक दूसरे से सटा के रखें तो ये दो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया। अगर दो पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, ये एक लाइन फॉर्म किया, इसके बीच में कई पॉइंट आएगा। तो इसी लाइन का जो है प्रोजेक्शन करना है तो दो चीज हो सकता है, या तो हम दोनों किनारे को प्रोजेक्ट कर लें और उस प्रोजेक्शन के बाद जो है दोनों को स्ट्रेट लाइन से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो लाइन का प्रोजेक्शन हो जाएगा। जैसे कि पॉइंट्स का प्रॉब्लम में भी आया था इस तरह से कि दो पॉइंट का प्रोजेक्शन दिया हुआ था, पोजीशन था, उसका प्रोजेक्शन करना था और उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को स्ट्रेट लाइन से मिलाना था, जैसा लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। तो यहाँ अब आते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कुछ पॉइंट हम लिखाए थे कि जैसे एचपी से कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा वो वीपी में ड्रा होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन। उसी तरह उसके अलावा उसमें और भी कुछ पॉइंट ऐड होगा जो कि वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में यूजफुल होगा। तो पॉइंट ये क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू any plane then in that plane then in that plane we will get the to say for length of the object. इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि
hit any object is inclined to any plane. Your VP. Then we will get projected shape or length of the object in that plane. SPR VP. Which will be smaller than say for length ये दो पॉइंट हुआ. इसके बाद जो है तीसरा any line is inclined to any plane that is SPR VP. Then that inclination will be drawn in plane VP oblique SP
एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन, इसका मतलब क्या हो गया? इफ एनी लाइन इज इंक्लाइंड टू एनी प्लेन एच पी और वी पी देन दैट इंक्लिनेशन विल बी ड्रॉन इन द प्लेन वी पी और एच पी एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन, यानी अगर कोई लाइन एच पी से इंक्लाइंड है तो एच पी वी पी एरिया में वो इंक्लिनेशन ड्रॉ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन। अगर लाइन वी पी से इंक्लाइंड है तो एच पी एरिया में वो इंक्लिनेशन ड्रॉ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है कि यहाँ पे ये दे दिए तो अब ये तीन पॉइंट के सहारे अब आगे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज आता है जो कि क्या आता है, ट्रेसेस ऑफ ए लाइन। ये क्या है? When a line is inclined to a plane it will meet that plane produce necessary this point in which the line meets the plane is called this stress
at the point of intersection of the line with the HP called horizontal trace. Usually denoted as HT. And the point of intersection of the line with the VP is called vertical trace. And usually denoted as VT. तो ये हो गया ट्रेस के बारे में. हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस होता है. अब ट्रेस के बाद जो है हम लोग आ जाएंगे सीधे कुछ क्वेश्चंस पर. तो ये दो क्वेश्चंस है पहले. फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP is 5 cm. One end of the line is 1.2 cm below the HP and 2.5 cm behind the VP. Draw the projections of the line and determine its true length. ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को अगर हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन.
क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ क्या क्या है, द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू यानी प्लान का लेंथ दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वीपी, जो लाइन वीपी के पैरेलल है, तो वीपी के पैरेलल तो वीपी में क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिलेगा, और ये पैरेलल है यानी कि इंक्लिनेशन क्या है, जीरो डिग्री है, तो ये इंक्लिनेशन आपको कहाँ मिलेगा, एचपी में मिलेगा। तो इंक्लिनेशन क्या थे, पैरेलल टू दी वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी एचपी, इंक्लिनेशन है एचपी से 45 डिग्री पर, ये इंक्लिनेशन कहाँ मिलेगा, वीपी में मिलेगा। तो अब इसके लिए पहला जिस एंड का दिया हुआ है, पहले हम तो लाइन का नेमिंग कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लाइन का नाम ए बी है, ए बी है, तो अब हम लोग पहले ये कर लें कि क्या क्या हमको जरूरत आएगा। आप तो सबसे पहले तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लेंगे, एक्स वाई रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल ले लिए। अब यहाँ क्या है दिया हुआ, नॉर्मली जो भी क्वेश्चन रहेगा वो किसी खास एक प्लेन में रहेगा, दोनों प्लेन का लाइन का एक एंड किसी और क्वाड्रेंट में है और दूसरा एंड दूसरे क्वाड्रेंट में, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ सिंगल क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या है, तो किसी भी एंड वन एंड का जो कंडीशन दिया हुआ है उसी अनुसार उसी क्वाड्रेंट में हम मान लेंगे कि पूरा लाइन है। तो यहाँ क्या है, द एचपी इज 5 सेंटीमीटर, one end of the line is 1.2 cm below the HP, 1.2 cm below the HP and 2.5 cm behind the VP, below the HP and behind the VP, it means third quadrant, third quadrant में क्या होता है, HP ऊपर होता है और VP नीचे होता है। तो ये मान के चले हैं कि दोनों किनारा जो है मेरा लाइन का ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब ये मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, एक किनारा का प्रोजेक्टर कहीं हम खींच लिए, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर। अब क्या है, वन एंड ऑफ द लाइन इज 1.2 सेंटीमीटर बिलो दी एचपी, बिलो दी एचपी यानी वीपी में मार्क होगा ये, सेंटीमीटर का हो गया 12 mm। अगर हम कोई यूनिट नहीं देते हैं इट मीन्स ये mm में है, मिलीमीटर में, एंड वीपी से क्या डिस्टेंस है, लाइन इज 1.2 सेंटीमीटर बिलो द एचपी एंड 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द वीपी, तो 2.5 सेंटीमीटर का हो गया 25 मिलीमीटर। अगर लाइन का नाम मान लिए कि ए है तो इसका हम नाम दे दिए, वीपी में है तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा एचपी में ए, तो ए और बी, ए एंड ए डैश हमको मिल गया। दूसरा किनारा का नाम हो जाएगा बी, तब कंडीशन क्या दे रहा है, the length of the top view of a line is parallel to the VP, एक लाइन जो कि VP के पैरेलल है, VP के पैरेलल है तो कहाँ मिलेगा हमको,
एक्स वाई के पैरेलल मिलेगा एक्स एरिया में, एक्स वाई के पैरेलल हम लाइन खींच दिए एक्स एरिया में, द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वीपी एंड इंक्लाइनेड 45 डिग्री टू द एचपी इज 5 सेंटीमीटर, तो टॉप व्यू है 5 सेंटीमीटर, तो यहां हो गया मेरा ये B, तो विदाउट डैश दोनों नेम क्लिंग हो गया, यानी ये हो गया मेरा टॉप व्यू। ये हो गया टॉप व्यू और इसका लेंथ क्या दिया है इज 5 सेंटीमीटर, इसका डायमेंशनिंग कर दिए एटलीस्ट 6 मिलीमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 5 सेंटीमीटर का हो गया 50 मिलीमीटर। मिलीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, लाइन इज पैरेलल टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, एचपी से इंक्लिनेशन दिया 45 डिग्री, यानी ये ड्राइंग होगा मेरा कहां वीपी एरिया में, तो वीपी एरिया में एक्सवाई के पैरेलल हमने एक छोटा सा लाइन ले लिए और यहां से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन खींच ली, ठीक है। तो B डैश कहाँ होगा, तो B को हम प्रोजेक्ट कर दिए एक्स वाई के परपेंडिकुलरली, और A से ये जो 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर लाइन हम खींचे हैं A डैश से, ये जहां कटा ये पॉइंट हो गया मेरा B डैश, ये पॉइंट हो गया B डैश, ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन हो गया लाइन AB का, इसको हम इतनी से ड्राइंग कर दिए। अब ये जो हो गया क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन तो हो गया, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एंड डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, तो VP के पैरेलल लाइन, लाइन क्या है, लाइन इज पैरेलल टू दी वीपी, यानी वीपी में टू लेंथ मिलेगा, तो वीपी में तो ये ए डैश बी डैश मिला, ये हमको टू लेंथ देगा, ये मान लिया कि मेरा ये हो गया A, A नहीं, इसको मान लेते हैं P, ये हो गया P, एपिसजीत ये नहीं हो पाया, तो हम लोग देख रहे थे कि ए डैश बी डैश का डायमेंशनिंग कर दिए पी, तो अब जो होगा मेरा रिजल्ट लिखना होगा क्या है,
ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, सिर्फ ए बी, ए बी और ए डैश बी डैश को हम एच बी से कर दिए तो मेरा प्रोजेक्शन हो गया। अब रिजल्ट लिखना है एंड डिटरमाइन इट्स टू लेंथ, तो टू लेंथ ये हो गया पी, तो रिजल्ट लिखना होगा टू लेंथ ऑफ द लाइन इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एम एम, ये मेजर करके हमको लिखना होगा, पी एम एम का वैल्यू देना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रंट व्यू ऑफ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन मेजर 5.5 सेंटीमीटर, द लाइन इज पैरेलल टू द एचपी एंड वन ऑफ इट्स एंड इज इन द VP and 2.5 centimeter above the HP. So, ये हो गया. Draw the projections of the line and determine its inclination with the VP. So, दिया हुआ है मेरा the front view of a 7.5 centimeter long line. यानी ये मेरा जो है ये टू लेंथ है. ये हो गया टू लेंथ. और VP का जो projection है उसका length आ गया 5.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 से, यानी कि इंक्लिनेशन क्या चीज का लाइन से, तब बीपी से, तब तो बीपी में मेरा लेंथ छोटा हो गया, तो हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिए और लाइन का पोजीशन क्या है दिया हुआ है किसी एक किनारे का, एंड वन ऑफ इट्स एंड्स इज इन दी वीपी एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव दी एचपी, अबव इट मींस फर्स्ट या सेकंड हो सकता है, तो नॉर्मली फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के चले, कोई अगर कंफ्यूजन का बात रहेगा तो फर्स्ट का एक भी पार्ट मिलेगा फर्स्ट या सेकंड का, या फर्स्ट या फोर्थ का एक पार्ट मिला, फर्स्ट फोर्थ के लिए क्या होगा इन फ्रंट ऑफ वीपी हो जाएगा और फर्स्ट एंड सेकंड के लिए अबव दी एचपी होगा, तो अबव दी एचपी दिया है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलेंगे, तो यहाँ ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर हो जाएगा और एचपी नीचे हो जाएगा। हम कहीं एक प्रोजेक्टर ले लिए, यहाँ पर भी लाइन का नाम नहीं दिया है, लाइन का नाम नहीं दिया है, तो कहीं एक प्रोजेक्टर ले लिए, लाइन का नाम अज्यूम कर लिए ए बी, तो एक किनारे का क्या है पोजीशन दिए हुए इज इन दी वीपी, इन दी वीपी का मतलब एचपी में नेमिंग होगा, तो एचपी में नेमिंग होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई लाइन पर, ये हो गया ए, एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द एचपी, मिलीमीटर हो गया एक्स वाई के ऊपर हो जाएगा, ये हो गया मेरा वीपी में है तो नेमिंग हो जाएगा ए डैश, ए डैश हो गया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, द फ्रंट व्यू ऑफ ए 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन मेजर्स 5.5 सेंटीमीटर,
लाइन इज पैरेलल टू दी एचपी, यानी एचपी में ट्रू लेंथ मिलेगा और वीपी में पैरेलल टू दी क्या है, लाइन इज पैरेलल टू दी एचपी, और क्योंकि वीपी में क्या दिया है टू लेंथ से छोटा है यानी वीपी से इंक्लाइन है, वीपी से इंक्लेशन है तो कहाँ होगा, एचपी में होगा। तो और एचपी के पैरेलल है लाइन तो वीपी में क्या होगा, एक्स वाई के पैरेलल मिलेगा लाइन, तो एक्स वाई के पैरेलल हम लाइन ले लिए, कितना लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, यह है 5.5 सेंटीमीटर। तो यह हो गया मेरा बी डैश, सेंटीमीटर इट मीन 55 मिलीमीटर। और इंक्लेशन नहीं दिया है, इंक्लेशन हमें निकालना है, तो बी डैश से हम प्रोजेक्टेड चीज ड्रॉ कर दिए, बी डैश से प्रोजेक्टेड ड्रॉ किए और ए को सेंटर मानते हुए, और लाइन का लेंथ क्या है एक्चुअली 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के और ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क खींचे जो कहीं मेरा यहां काटा, तो ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ए बी को मिला दिए, ए बी को मिला दिए, तो ए बी का ये मेरा प्रोजेक्शन हो गया, लाइन का प्रोजेक्शन हो गया। अब ये एंगल जो है एक्स वाई से ए बी कितना एंगल बना रहा है ये हमको मेजर करना होगा। ये मान लीजिए कि ये थीटा है, तो अब रिजल्ट लिखना होगा। रिजल्ट में क्या देंगे, रिजल्ट में क्या मांग रहा है हमसे, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, तो प्रोजेक्शन हो गया ए डैश बी डैश एंड ए बी, और ये मांग रहा है क्या, डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद द वीपी। तो रिजल्ट हो जाएगा लाइन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम वीपी वीपी इक्वल टू थीटा इक्वल जो भी एंगल आएगा समथिंग डिग्री में आएगा, ये डिग्री हम लिख देंगे। तो और यहाँ पर एक चीज और रह गया, इसका डायमेंशनिंग हमको करना है, ये हो गया लाइन का लेंथ है 77.5 सेंटीमीटर इट मीन्स 75 मिलीमीटर। ये 75 क्या हो जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा ये डायमेंशन लाइन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, ए वर्टिकल लाइन ए बी 75 मिलीमीटर लॉन्ग हैज इट्स एंड ए इन द एचपी एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी, ए लाइन ए सी 100 मिलीमीटर लॉन्ग इज इन द एचपी एंड पैरेलल टू द VP, draw the projections of the line joining B and C, determine its inclination with the HP. In fact, कहा जाए तो यहाँ ये दो नहीं तीन
किसी एक लाइन का नहीं बल्कि ये तीन लाइन का प्रोजेक्शन है, तीन लाइन में, लेकिन शो करना है सिर्फ लाइन बीसी का। एक लाइन हो गया एबी, दूसरा लाइन हो गया एसी और तीसरा लाइन हो गया बीसी। तो हम लोग यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है कंडीशन, ए वर्टिकल लाइन ए बी 75 मिलीमीटर लॉन्ग हैज इट्स एंड ए इन दी एचपी एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड दी बीपी। बिहाइंड दी बीपी का मतलब हो गया कि सेकंड या थर्ड हो सकता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में मान के चले तो एक रेफरेंस लाइन ले लिए एक्स वाई, थर्ड क्वाड्रेंट के क्या हो जाएगा एचपी ऊपर हो जाएगा और वीपी नीचे हो जाएगा। अब पॉइंट ए का पोजीशन पहले हम निकालते हैं, तो पॉइंट ए के लिए क्या है, कहीं पर भी हम एक प्रोजेक्टर ले लिए, ए का पोजीशन क्या है, ए जो है ए इन दी एचपी, इन दी एचपी इट मीन वीपी में इसका नेमिंग हो जाएगा। वीपी में नेमिंग होगा तो ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। और क्या है, वर्टिकल लाइन ए बी 75 मिलीमीटर लॉन्ग, तो वर्टिकल लाइन है यानी कि एचपी के परपेंडिकुलर है, एचपी से 90 डिग्री पे, ये प्रोजेक्टर क्या है 90 डिग्री पर है, तो ये 75 मिलीमीटर हम नापे और यहाँ नाम दे दिए बी, ये हो गया मेरा बी डैश। और इसका डायमेंशनिंग क्या हो गया, ये 75 मिलीमीटर। ए का पोजीशन क्या है, ए इन दी एचपी एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड दी वीपी, वीपी से डिस्टेंस 25 मिलीमीटर है, तो ये हो गया 25 मिलीमीटर, ये पॉइंट हो गया मेरा ए। जब हम ऊपर से देखेंगे, अभी यहाँ क्या है ऊपर से देख रहे हैं ए तो दिखेगा और ठीक वर्टिकल लाइन है तो ठीक इसके नीचे बी रहेगा जो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो उसको बी यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये क्या शो करेंगे इनविजिबल है, नहीं दिख रहा तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ए और बी दोनों पॉइंट हमको मिल गए यहाँ। अब दूसरा लाइन के बारे में आइए, क्या कह रहा है दूसरा लाइन, ए लाइन ए सी 100 मिलीमीटर लॉन्ग इज इन दी एचपी, इन दी एचपी का मतलब क्या हो गया एचपी के पैरेलल हो गया एंड पैरेलल टू दी बीपी, पैरेलल टू बीपी है यानी कि ये बीपी के पैरेलल तो है, और इन दी एचपी इट मीन्स एचपी के भी पैरेलल हो गया, तो एचपी और बीपी दोनों में हमको टू लेंथ मिलेगा एसी का, तो यहां हम एक्स वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हो गया
और यहां से भी आ जाएगा, इसको प्रोजेक्ट कर दिए तो ये एफपी में है, तो ये एक्स वाई लाइन पर ही मिल जाएगा, ये हो जाएगा सी डैश। अब हमको तीनों पॉइंट मिल गया, ए डैश बी डैश सी डैश, ए बी एंड सी। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। तो बी सी को हम मिला दिए, बी सी को हम एच बी से मिला दिए, ये हो गया बी सी लाइन का फाइनल प्रोजेक्शन। और बी डैश सी डैश को स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, तो ये मेरा हो जाएगा लाइन बी सी का फ्रंट व्यू, ये हो गया बी सी का टॉप व्यू, और ये हो गया बी डैश सी डैश बी सी का फ्रंट व्यू। ये हमको प्रोजेक्शन करना था, तो प्रोजेक्शन हो गया। अब क्या कहता है, एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद दी एच पी। एच पी से इंक्लिनेशन निकालना तो कहाँ मिलेगा, वीपी में, तो वीपी एरिया कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो आ गया एक्स वाई लाइन से बी सी लाइन जो एंगल बना रहा है बी डैश सी डैश लाइन, ये हो गया मेरा मान लीजिए कि थीटा। तो थीटा नाप लिए और लिखती है यहां इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बी सी फ्रॉम एच पी इक्वल टू थीटा इक्वल टू, ये मेजर करके हम लिख देंगे 13 डिग्री आएगा। तो ये हो गया। एक चीज अभी और क्या बाकी है हमको, ये डायमेंशनिंग करना लाइन एसी का, ये हो गया 100 मिलीमीटर। हम यहाँ 100 मिलीमीटर डायमेंशनिंग करके छोड़ भी दे सकते हैं, क्योंकि एसी और ए डैश सी डैश दोनों तो बराबर है और पैरेलल है, पैरेलल है तो एक ही डायमेंशन लिख करके हम छोड़ सकते हैं, अन्यथा हम यहां भी कर सकते हैं इसका डायमेंशनिंग। तो मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है ट्रेस, ट्रेस पर जो हम लोग बात किए थे कि ट्रेस क्या था, ट्रेस क्या है, व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइन टू ए प्लेन इट विल मीट दैट प्लेन प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी। अगर और इसके बाद क्या है, द पॉइंट इन विच द लाइन मीट्स द प्लेन इज कॉल्ड इट्स ट्रेस। तो अगर एचपी से इंक्लाइंड है लाइन, तो एचपी को कहीं काटेगा, अगर डायरेक्ट नहीं काटेगा तो कहीं बढ़ाने पर काटेगा एचपी लाइन को, एचपी प्लेन को लाइन काटेगा। और अगर एचपी के पैरेलल है तो एचपी को कहीं नहीं काटेगा, कितना भी लाइन को बढ़ा दे। तो जब एचपी को ये नहीं काटेगा तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगा, एचपी प्लेन के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं होगा। और अगर एचपी से इंक्लाइंड है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा, और वो कहीं जाकर के मिलेगा जहां पर ये प्लेन को काटेगा, वो पॉइंट होगा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और इसको डिनोट किया जाता है एसटी से। इसी तरह से अगर वीपी के पैरेलल कोई लाइन है तो ये कभी भी वीपी को नहीं काटेगा, कितना भी लाइन को बढ़ा दे तो। लेकिन अगर वीपी से लाइन इंक्लाइंड है तो या तो लाइन काट दे डायरेक्ट, या बढ़ाने पर कहीं काटेगा वीपी को। जिस पॉइंट पर वीपी को लाइन काटेगा तो
वो पॉइंट कहलाएगा वर्टिकल ट्रेस और इसको डिनोट किया जाता है वीटी से। तो ये नोटेशन हो गया। अब यहाँ पर है कि क्लियर कट हो गया कि अगर कोई प्लेन के पैरेलल है लाइन तो उस प्लेन में हमको ट्रेस नहीं मिलेगा। अगर वीपी के पैरेलल है तो वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा, लाइन अगर एचपी के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगा। ट्रेस तभी मिलेगा जबकि उस प्लेन से लाइन इंक्लाइंड रहे। तो ट्रेस के लिए हम लोग चाहे तो इसी में हम लोग किसी एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं या फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मान लें कि ट्रेस निकालना है। अगर फर्स्ट का ट्रेस निकालने के लिए हम लोग जाने तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी प्रोजेक्शन किया हुआ है तो जस्ट इसका हम सिर्फ प्रोजेक्शन कर देते हैं और प्रोजेक्शन के बाद यह हमको मिल जाएगा कि ट्रेस कैसे निकालेंगे। सिर्फ डायमेंशनिंग का पोजीशन हम चेंज कर देंगे, ये यहाँ ना करके इस साइड में कर देंगे डायमेंशनिंग, या थोड़ा इधर दूर हट करके करेंगे। तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम लोग करते हैं डिफाइंड ट्रेसेस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वन और टू को जस्ट कॉपी कर लेते हैं फाइनल प्रोजेक्शन को। तो फाइनल प्रोजेक्शन हमारा क्या था, एक्स वाई वेक्टर लाइन था और ये पोजीशन है बारह पच्चीस। ये क्वेश्चन नंबर वन को हम कॉपी कर रहे हैं। A B और यहाँ ये हो गया ये हो गया 55 डिग्री।
ये हो गया मेरा बी डैश और ये हो गया ए डैश। अब इसका ट्रेस निकालना है तो क्या करेंगे, एच पी का फ्रंट प्रोजेक्शन क्या है, एक्स वाई के पैरल है तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये वीपी के पैरल ये लाइन है तो वीपी के पैरल है तो वीपी में हमको कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। और ये वीपी में जो फाइनल फिगर है क्या है, इंक्लाइंड है तो ये हमको कितना 45 डिग्री पर कितना डिग्री से इंक्लाइंड है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फाइनल प्रोजेक्शन को हम आगे बढ़ाए, अगर इधर बढ़ाएंगे तो कहीं एक्स वाई को काटेगा, नहीं काटेगा तो हम इधर की ओर फाइनल प्रोजेक्शन को बढ़ा दिए। जहां ये कटा वीपी का फाइनल प्रोजेक्शन जहां कटा इस पॉइंट का नाम दे दिए हम स्मॉल एच, स्मॉल एच हो गए। स्मॉल एच पॉइंट पर एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइन खींचे जो एच पी के फाइनल प्रोजेक्शन को काटे या उसके बढ़ाए हुए भाग को काटे। तो ऊपर की ओर इसको बढ़ाना होगा हमको, ऊपर की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये हो गया 90 डिग्री पर और ए बी लाइन को हम बढ़ाए जहां ये कटा, ये पॉइंट हो गया मेरा एच पी, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। एच पी के फाइनल प्रोजेक्शन पर जब कटेगा तो ये एच टी मिल गया इसी तरह से। लेकिन अब इसको क्या है, एच टी का पोजीशन कैसे हम लिखेंगे, एच टी का पोजीशन दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो है कि एच टी इज ये हम क्या हो गया, ये 25 मिलीमीटर अबव एक्स वाई लाइन है तो एच टी इज 25 मिलीमीटर अबव एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अब एच टी का अगर रिजल्ट देना है तो क्या हो जाएगा, एच टी इज 25 मिलीमीटर एबव रेफरेंस लाइन। अगर प्लेन के रेस्पेक्ट में मांगा तो क्या होगा, और एचपी का पोजीशन जो है एक्स वाई लाइन के ऊपर है यानी क्या हो जाएगा, बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी हो गया तो यह हमको मिल जाएगा एच टी इज 25 मिलीमीटर, एच पी का पोजीशन एक्स वाई के ऊपर है यानी कि ये बिहाइंड हो गया 25 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी। अगर एच टी नीचे मिलता एक्स वाई लाइन के नीचे तब ये हो जाता एच टी इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर टू को हम कॉपी करें, क्वेश्चन नंबर टू जो है मेरा
एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गया। तो अब इसमें क्या है, हम इसमें है ये ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर अबव एक्स वाई लाइन, हम 25 मिलीमीटर ऊपर ये क्या है 55 है, ऊपर में इसका ये कर देते हैं ये डायमेंशनिंग हो गया। इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर रहे हैं और ये है हमारा बी, ये कुछ भी आया था ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये दिया हुआ है मेरा इसका 55 मिलीमीटर, और ये कितना है 75, अब इसका नेमिंग क्या है, ये है ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज वन इज ए एंड दिस इज बी। अब जो है इसको कॉपी कर ले क्वेश्चन नंबर टू को। अब यहां पर क्या है, ये एचपी का फिगर जो है ये एक्स वाई से इंक्लाइंड है, ये कितना था इंक्लाइंड इंक्लिनेशन, ये थीटा डिग्री था। अब यहां पर जो है ए बी जो है ये एक्स वाई से इंक्लाइंड है और ए डैश बी डैश एक्स वाई के पैरेलल है, तो ए डैश बी डैश क्या है, वीपी का फिगर है, वीपी में पैरेलल है, यानी ये लाइन जो है एचपी की पैरेलल है, तो एचटी हमको नहीं मिलेगा, और ए बी ये एचपी का फिगर है जो इंक्लाइंड है, यानी कि ये वीपी से इंक्लाइंड है, ये लाइन वीपी से इंक्लाइंड है, तो वीटी हमको मिलेगा। तो ए बी लाइन इटसेल्फ जो है ये एक्स वाई लाइन पर है, ये एक्स वाई लाइन को काट रहा है, तो ए जो है ये पॉइंट ही जहां एचपी का फाइनल फिगर काटेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा स्मॉल वी, स्मॉल भी नाम दे दिए, ए डैश ए जो हुआ
इसी का नाम स्मॉल वी भी हो गया, और वी पॉइंट पर, स्मॉल वी पॉइंट पर एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइन खींचे, जो वीपी के फाइनल प्रोजेक्शन को काटा, ये कहाँ काटेगा, ए डैश पर ही काटेगा, तो ए डैश जो हो गया मेरा ये पॉइंट वी टी हो गया, वी टी हो गया। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, वी टी का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो सीधा आप लिख दीजिए, VT is mm above reference line. रेफरेंस लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, अभी तो हम जगह की कमी के कारण इस तरह से लिख रहे हैं। अरे यहाँ एक गलती हो गया है, रेफरेंस लाइन अगर, लेकिन जब प्लेन के रेस्पेक्ट में मांगे तो क्या लिखेंगे, अगर आप कंफर्म है तो हमेशा प्लेन का रेस्पेक्ट में लिखिए एस टी और वी टी का पोजीशन। तो वी टी इज 25 mm, यहाँ डैश का नेमिंग ऊपर है और वी टी ऊपर है, यानी क्या हो जाएगा, एच पी से अबव हो गया है, तो 25 mm एवं एचपी, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो एक नटसेल में इसका हम बता देते हैं कि एस टी आर वीटी का पोजीशन कहाँ होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पोजिशन ऑफ एस टी एंड वी टी जस्ट हम दे रहे हैं पहले, ये हो गया एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अब हम रैंडमली कहीं भी दे रहे हैं, डायमेंशनिंग कर दे रहे हैं, डायमेंशनिंग को भी वेरिएबल मान के चल रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ये हो गया ए,
ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब ये मान लीजिए कि ये हो गया मेरा एच टी, ये हो गया वी टी, ये हो गया वी टी, ये हो गया एच टी। या इसका नंबरिंग कर दें एसटी वन वीटी वन। अब अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सीधा सीधे हम रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में लिख देंगे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फर्स्ट रिजल्ट क्या हुआ एस टी वन, एस टी वन। रेफरेंस लाइन वीटी वन इज बी लाइन। तीसरा में क्या हो गया एच टी टू,
ST2 is in reference line. इन और ऑन लिख सकते हैं, VT2 इज इन और ऑन कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन लाइन। ST3 इज ST3 यहाँ है क्या, डी बिलो दी रेफरेंस लाइन एंड VT3 इज ये क्या है, सी अगर आपको प्लेन के रेस्पेक्ट में नहीं समझ में आ रहा तब इस तरह से लिखिएगा, नहीं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्लेन के रेस्पेक्ट में लिखिए। और जब प्लेन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 4 5 एंड 6 ये हो गया। अब क्या होगा, इतना को हम जस्ट कॉपी कर देते हैं ABCD और इन और को इनको कॉपी कर देते हैं, तो ये हो गया ST1। ST1 VT1 ST2 VT2 ST3 VT3 ये हो गया, इज ST1 इज
ए बी इन इन डी सी। अब वीटी जो है या पहले एसटी कहेंगे, एसटी जब भी होगा तो या तो बिहाइंड वीपी होगा या इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा या इन वीपी होगा। तो ऊपर है तो क्या हो जाएगा, एसटी वन इज अबव द रेफरेंस लाइन, अबव का मतलब हो गया बिहाइंड द वीपी। ए बिहाइंड वीपी एसटी टू ये क्या है, ये एक्स वाई लाइन पर है, एसटी टू एक्स वाई लाइन पर है। एसटी टू इन वीपी एसटी थ्री ये क्या है, एसटी थ्री नीचे है यानी इन फ्रंट ऑफ वीपी हो जाएगा। एसटी थ्री इज डी वीपी। अब वीटी का पोजीशन पर आते हैं, वीटी एक्स वाई लाइन के ऊपर है यानी एबव एचपी हो जाएगा। वीटी का पोजीशन जब भी रहेगा तो या तो एबव एचपी होगा या बिलो एचपी या इन एचपी। तो ऊपर है तो वीटी ऊपर है यानी एबव एचपी हो गया, वीटी नीचे है यानी बिलो एचपी हो गया, और वीटी एक्स वाई लाइन पर है तो इन एचपी हो जाएगा। तो वीटी वन इज बी एबव एचपी, एबव एचपी। वीटी टू इन रेफरेंस लाइन तो ये हो जाएगा इन एचपी, और वीटी थ्री बिलो है यानी बिलो एचपी सी बिलो एचपी। तो इस तरह से हम प्लेन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कम से कम ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में भी लिख दीजिएगा तो आपको एक कुछ नंबर मिल सकता है इससे। अगर नहीं लिखिएगा पोजीशन तो नंबर आपका कटने का चांसेस रहेगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया एसटी और वीटी का पोजीशन के अनुसार ये इसका कैसे हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट आ गया आपको, अब इसके अनुसार जो है अब ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन।